गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर आकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ चुके थे, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिखा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो एक परिपूर्ण वर्ग संख्या हो तथा उस वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, 9999। ये क्या है, या तो 4 अंकों की बड़ी संख्या है 9999। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, यानी 9999 को हम लोग भाग विधि से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या इसका नियम होता है, इसका नियम होता है कि दाएं तरफ से 2 अंकों के पहले हम लोग बार लगाते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले बार लगाते हैं 2 अंकों के, और इसको हल करेंगे भाग विधि से। ठीक है, यहाँ 9 लेंगे, 9 81 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, कितना गई 18 आ गया। अब ये डबल अंक यहां उतरेगा 99, तो लिखेंगे 99। ठीक है, चलिए अब इसको ऐड कर देंगे 9 9 18, फिर यहां 9 लेंगे, इसको हल करेंगे तो 9 81 81 क्या 1 80 8, 9 8 72 72 8 80 80 का 0 80 8, फिर 9 9 8 80 9 8 17, नगरी 17 घटाएंगे 9 में से 1 गया 8, 9 से 0 गया 9, 8 में 7 गया 1, और 1 से गया 0, या 1 से कैंसिल। अब यहाँ क्या आपको शेष मिल गया, 198 आपको शेष मिल गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, अच्छा क्या करेंगे जी, तो जो शेष मिला है इस शेष को मूल संख्या से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में से हमेशा घटाया जाता है शेष को। ठीक है, उसके बाद जो मान प्राप्त होता है वो आपका परिपूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे वह परिपूर्ण वर्ग संख्या बराबर, वह परिपूर्ण वर्ग संख्या बराबर, यानी कहेंगे 9999 माइनस 198 को घटाएंगे माइनस 198। ठीक है, चलिए यहां घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और 9 का 9, कितना आ गया जी 9801 अर्थात 9801। ये क्या है, ये आपका परिपूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब पूछा गया है इसका वर्ग, तो इसका वर्ग आप यहां से दे सकते हैं, बताए गए थे आपको अगले वीडियो में, यहाँ डबल 9 लिए हैं। ठीक है, यहाँ से आप 1 9 ले सकते हैं, फिर यहाँ डबल 9 लिए हैं, यहाँ से भी आप 1 9 ले सकते हैं।
ठीक है, अर्थात इसको लिख सकते हैं ऐसे भी रूट अंडर 9801 इजकल टू 99 क्या है जी, इसका वर्गमूल है, इसका 9801 का वर्गमूल है 99। अर्थात हम पढ़ सकते हैं कि वह परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या है जी, 9801 है और उसका वर्गमूल क्या है जी, 99। क्या है जी, 99। तो आपका अंतर हो जाएगा क्या जी, यहाँ लिख देंगे 9801.99 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या और इसका वर्गमूल है। तो ये रहा आज के क्वेश्चन नंबर 1 के तहत इसके सॉल्यूशन, और जो भी क्वेश्चन पाया जा रहा है ठीक है उसको आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ें समझें और क्वेश्चन को आप अपने स्तर से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बता दिए हैं इसको आप समझ लिए हैं, ठीक है, समझ लीजिए, वीडियो को क्लोज कीजिए, फिर क्वेश्चन को आप अपने अपने अनुसार बनाइए कॉपी पे, देखिए आपको कहाँ कर रहा है क्वेश्चन बनाना है, कहाँ क्वेश्चन फंस रहा है, वहां फिर से वीडियो को प्ले कीजिए, देखिए समझिए और फिर क्वेश्चन को बनाइए। यदि ऐसे आप करते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ सकता है और आपका यह सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इन सभी बातों को आप लोग ध्यान देंगे और इसका अमल करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।